बच्चों की बात, तुम सब अपने बच्चे संभाले नहीं जाते हैं क्या? क्यों, क्या किया मेरे बच्चों ने? इन दोनों ने ना मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया। अरे कांच ही तो तोड़ा है, कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ दिया है। पहाड़ तोड़ दिया, क्या कहना है तुम्हारा है? खिड़की का कांच तोड़ा है, कोई फ्री में तो लगता नहीं है, पैसे से लगता है। अरे टूट गया होगा, बच्चों से हो गई गलती, तो इसमें बच्चों को मारने की क्या जरूरत है? गलती से टूट गया, कितनी बार मना किया इन बच्चों को, पूछो कि मत खेलो यहाँ पे, लेकिन ये दोनों वही खेलते हैं। आंटी ने मना किया था, फिर भी आप वहाँ पर खेल रहे थे। हाँ मम्मी, हम वहाँ खेल रहे थे और आंटी के कांच पर बॉल लग गई और आंटी का कांच टूट गया। अरे तुम क्या हो गया, कितने का ऐसा कांच आ गया है तुम्हारा? मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, बड़ी आई चल के मेरे बच्चों को डांटने वाली। पैसे की धौंस किसको दे रही है तू? हाँ मैं पैसे लेने नहीं आई, तेरे बच्चों को समझाने आई हूँ जो ये हरकत करते फिरते हैं। और मेरे बच्चे है ना वो विदेश में रहते हैं, तो मुझे ना पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे ना पैसे की धौंस मत दियो, समझी? क्या हुआ बहन जी, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? क्यों बहू, क्या हुआ? पापा वो बच्चों ने। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। हाँ बताइए। इन बच्चों ने ना मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया, कितनी बार समझाया है इनको कि वहां पे मत खेलो, लेकिन ये दोनों खेलते हैं। आज तो छोटा नुकसान हुआ, कल को बड़ा भी हो सकता है ना, और इनको चोट भी लग सकती है। बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिए बच्चे हैं, थोड़े शैतानी तो करते ही हैं, आप गुस्सा मत होइए, आपकी जो भी भरपाई है मैं कर दूंगा। भाई साहब बात पैसे की नहीं है, मैंने कितनी बार इन बच्चों को बोला है कि यहाँ मत खेलो मत खेलो, लेकिन ये बच्चे मानते ही नहीं है, रोज आके मेरे घर के सामने खेलते हैं, अगर कल को इनको चोट लग गई तो क्या होगा? बात पैसे की नहीं है भाई साहब, कांच तो मैं लगवा लूंगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, देखिए अगर आपके भी नाती पोते होते तो क्या आप उनको भी ऐसे डांटती हैं? उनको भी तो आप प्यार से समझाती ना, बच्चे हैं आप भी उनको प्यार से समझाइए, और मैं इनके तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, वो क्या है ना अकेले रहते रहते ना मैं चिड़चिड़ सी हो गई हूँ, जब भी बच्चों की आवाज़ सुनती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आने लगता है, और मैं कैसे भूल गई कि मेरे भी तो नाती पोते हैं, अरे वो भी शरारत करते होंगे, ऐसे किसी की खिड़की का कांच तोड़ते होंगे। भाई साहब हम भी तो बचपन में यही किया करते थे ना, कितनी शरारत करते होंगे, ऐसे ही किसी का कांच तोड़ते होंगे। आज आपने ना मुझे एहसास दिला दिया कि हम भी बचपन में ऐसी शरारत किया करते थे। और हाँ बच्चों तुम ना वहीं खेला करो ठीक है, लेकिन हाँ बिना नुकसान किए। ठीक है भाई साहब अब मैं चलती हूँ। बहन जी एक कप चाय तो पीती जाइए। ठीक है आप कह रहे हैं तो एक एक कप चाय हम पी लेते हैं। जी जी। दादी आप तो नहीं डांटोगी हमें? अरे नहीं मेरे बच्चों, नहीं डांटूंगी, आराम से खेलना वहाँ पर ठीक है। ठीक है दादी। आइए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ।